नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मृदुला। पटना के धनरुआ में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प के बाद हालत तनावपूर्ण बना हुआ है। इसको देखते हुए ग्रामीण एसपी ने पटना से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया है। पटना में दो बसों में 50 से ज्यादा पुलिस के जवान धनरुआ पहुंचकर मोर्चा थाम लिया है। आपको बता दें कि गांव के चारों तरफ पुलिस के जवान को तैनात कर दिया गया है। वहीं ग्रामीण एसपी ने बताया कि झड़प में 16 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी ने कहा है कि पुलिस गांव में जायजा लेने गई थी। पुलिस वहां पर कई बार रेड कर चुकी है। चुनाव प्रचार के लिए भी लोग वहां जुटे हुए थे। पुलिस और लोगों के बीच गलतफहमी के कारण ये घटना घटी है। लोगों को कुछ और बताया गया है, इसलिए वो उग्र हो गए हैं। एसपी ने बताया कि झड़प में घायल ग्रामीणों के इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। सूचना मिली है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है। गोलियां कहां से और कितनी चली है, इसकी भी जांच हो रही है। झड़प में धनरुआ थाना प्रभारी का सिर फट गया है। एक इंस्पेक्टर का पैर भी टूट गया है। पुलिस और गांव वाले के बीच गोलीबारी हुई है। दरअसल धनरुआ थाना क्षेत्र के मिडियाबा गांव में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी प्रचार किया जा रहा था। इसी सूचना पर पुलिस प्रचार रोकने के लिए गई थी। इसी दौरान ग्रामीण ने पुलिस की टीम को घेर कर हमला कर दिया। लोगों से खुद को बचाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। इस झड़प में पुलिस के कई जवान जख्मी हो गए हैं। 3 ग्रामीणों को भी गोली लगी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।